हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है आम की खट्टी मीठी चटनी। कच्ची आम भी होती है ना, कैरी भी बोलते हैं उसको, तो उसकी ये खट्टी मीठी चटनी है। यही चटनी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो काइंडली जुड़े रहना मेरे साथ पूरी वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है और इसको एक साल तक स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो जो जाएगा सबसे पहले मैं वो बताऊंगी, पूरा प्रोसेस बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। अभी इसमें आम भी डाल दी और ये चीनी डाल दी है और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। सिर्फ इसमें स्टार्टिंग में आम भी जाएंगी। आप कस के भी डाल सकते हो, आप ऐसे स्लाइस करके भी डाल सकते हो। और इसमें चीनी डाल के और अच्छे से इसको पकाना है। बेसिकली इसमें पानी नहीं जाएगा, चीनी की जो चाशनी है उसी में ये बन के तैयार होगी। ये जो है पंचफोरन मसाला है और इसको अच्छे से भून के और दरदरा कूट लेना है। और कढ़ाई में जो है 3 पाव आम भी है और 1/2 किलो चीनी है। इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालना, डायरेक्ट आम भी और चीनी डाल के अच्छे से इसको पका लेना है। और ये देखो, ये जो खट्टी मीठी जो है चटनी, ये अब लगभग होगी है बिल्कुल ओके। अब यहाँ पर गैस को भी बंद नहीं करना है, यहाँ पर डाल देंगे कुछ स्पाइसेस, लाल मिर्च, तीखे वाली लाल मिर्च चाहिए, और ये जो मसाले हमने कूट कर रखे थे वो, और नमक डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। कुल रेडी। अब इसको ठंडा करके और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, यानी जो शीशे की बर्नी होती है ना या शीशे की बॉटल होती है, उसमें डाल के और फ्रिज में स्टोर कर लो। ये 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हो। चपाती, पूरी, पराठा, किसी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो ये होगी है आम की खट्टी मीठी चटनी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक क्या करना है, ये खट्टी मीठी चटनी अपने बच्चों के लिए ज़रूर से बना के देखना और इसको 1 साल तक स्टोर कर सकते हो और आप किसी भी टाइम इसको एंजॉय कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।